नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर चुनावों की घोषणा से पहले पीएम का देश के नाम संदेश। बड़ी खबर, जहां पर देशवासियों के नाम पीएम मोदी ने लिखा पत्र। आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखा है उनमें इन बातों का जिक्र किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और साथ ही ये मोदी की गारंटी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के लिए एक संदेश। और इस दौरान अगर बात करें तो चुनाव की घोषणा से पहले पीएम का देश के नाम एक संदेश, और संदेश की बात की जाए तो देशवासियों को नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। और इस पत्र में क्या कुछ लिखा है उन्होंने आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी इसमें इस पत्र में लिखा है कि ये मोदी की गारंटी है और जिस चीज के लिए बोला जाता है उसके लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध सरकार रहती है जनता के प्रति। तो इन तमाम बातों का जिक्र अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो चुनावों की घोषणा से पहले पीएम का देश के नाम संदेश। देश मोदी ने लिखा है पत्र। हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पत्र में लिखा गया। साथ ही लिखा है यह मोदी की गारंटी है, यानी कि जिन कामों के बारे में कहा जाता है उस काम को हमारी सरकार पूरा करती है। और इन सबको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा है कि यह मोदी की गारंटी है, जिस चीज को बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है और साथ ही कहा है कि आपका समर्थन हमें लगातार मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो चुनावों की तारीखों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। और बात की जाए तो चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता रहे कि आज 3 बजे चुनाव आयोग इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और साथ ही यह भी ऐलान हो जाएगा कि आखिरकार कितने चरणों में चुनाव होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा घोषणा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा 7 से 8 चरणों में हो सकती है लोकसभा के चुनावों की। इस दौरान 7 से 8 चरणों में हो सकता है लोकसभा का चुनाव और आज इसकी घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस दौरान बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे ये घोषणा करेगा और साथ ही कयास भी लगाए जा रहे कि 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज लोकसभा के अगर बात की जाए तो 7 से 8 चरणों में हो सकता है लोकसभा का चुनाव। आज इसका भी ऐलान हो जाएगा करीब 1 घंटे तक इलेक्शन कमीशन की इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा और 7 से 8 चरणों में हो सकता है लोकसभा की जो चरण होंगे लोकसभा चुनाव के वो 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान भी होगा और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लागू होगी आचार संहिता। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस दौरान आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और साथ ही इस दौरान 3 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं
इस दौरान चुनाव और बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान, जहां पर चुनाव आयोग आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और हो सकता है कि 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो। तो चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे ये घोषणा कर देगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसी के बाद से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और 7 से 8 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो 7 से 8 चरणों में लोकसभा का चुनाव जो है वो हो सकते हैं और करीब 1 घंटे तक इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की और विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। तो 7 से 8 चरणों में ये चुनाव हो सकता है। तो चुनाव आयोग आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस दौरान बता दें कि 7 से 8 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात करें आज तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आज ही तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज बड़ा दिन है, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव के लिए तैयारियां पूरी तरीके से पूरी हैं। आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, मतलब जो आदर्श आचार संहिता के नियम कानून है वो सभी देश भर में सभी प्रदेशों में लागू हो जाएंगे। मतलब साफ है कि पूरे प्रदेश भर में जो चीजें होंगी वो अब आयोग के हिसाब से होंगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर जहां आयोग ने पूरी तैयारी की है, लगातार केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से देश भर के अलग अलग प्रदेशों में जाकर वहां पर जो चुनावी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा कर ली गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, केंद्रीय जो चुनाव आयोग की टीम थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ ही साथ दोनों जो निर्वाचन आयुक्त थे वो लखनऊ आए थे और लगातार 3 दिन तक यूपी की ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठकें की थी। बैठकों के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश है, क्या फीडबैक है, इन सारी चीजों पर काफी मंथन हुआ था, कितनी चीजों का पालन हुआ है। वो अधिकारी जो 3 साल तक एक स्थान पर जमे थे उनको सबको हटाया गया था, उनका फीडबैक भी लिया था। कप्तानों से जो संवेदनशील अति संवेदनशील जिले हैं उनको लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी आयोग ने दिए गए थे। जो बीएलओस थे उनको निर्देशित किया गया था कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है मतदाता सूची को लेकर, ऐसी समस्या पूरे प्रदेश भर में कहीं ना हो, तो कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं आयोग ने पूरे देश भर के अलग अलग प्रदेशों में देखी थी। हालांकि बिल्कुल अंत में जम्मू में आयोग की टीम गई थी, जहां पर वहां के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उनसे फीडबैक लिया था, उनको भी दिशा निर्देश दिया था। क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार पहला मौका होगा जब धारा 370 हटने के बाद जम्मू में भी चुनाव होने जा रहा है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। तो निश्चित तौर पर चीजें काफी कुछ बदल चुकी हैं और आयोग पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां के भी अधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कमिश्नर्स हैं, या फिर आईजी एडीजी, या फिर जो विशेष सचिव स्तर के ऑफिसर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेशों में भी प्रेक्षक के तौर पर तैनात करके भेजे जाएंगे। तो ये सारी तैयारियां आयोग की तरफ से पहले ही कर ली गई हैं। जो मतदाता पुनरीक्षण अभियान था वो पूरी तरीके से चला लिया गया है, उसका भी काम पूरा हो चुका है। आज जो आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पूरे देश भर में चुनाव को लेकर घोषणा हो जाएगी। हालांकि जो अभी तक की जानकारी है, 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर हम 2019 की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी 7 से 8 चरण होंगे, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो इसलिए अलग अलग चरणों में मंडल वाइज चुनाव कराए जाने की व्यवस्था पिछली बार भी थी और कुछ इसी तरीके की इस बार भी होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडल में एक जब चूंकि 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है और जब अलग अलग चरण होंगे तो करीब 7 से 8 चरणों में 1 से 2 या फिर छोटे मंडलों को मिलाकर 3 मंडलों तक के जिलों को मिलाकर चुनाव कराया जाएगा एक चरण में। तो इसको लेकर जिस तरीके से पिछली बार आयोग ने किया था, कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं इस बार भी नजर आएंगी। हालांकि इस बार जो मतदाताओं की संख्या है वो काफी बढ़ गई है,
करीब 15 करोड़ 90 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं, जिसमें अगर हम महिला मतदाताओं की बात करें तो 7 करोड़ 15 हजार के करीब मतदाता हैं। वहीं अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 8 करोड़ 15 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं। करीब 31 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। करीब अगर हम देखें तो 55 लाख से ज्यादा मतदाता अकेले उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर आयोग ने जो व्यवस्थाएं कर ली हैं, आज वो दिन है जब आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश भर में चुनावों की घोषणा करेगा, तारीखों का ऐलान होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो छोटे प्रदेश हैं, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, जो भी ऐसे जिले हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में संभवतः एक एक चरण में ही चुनाव संपन्न कराने की कोशिश होगी, क्योंकि चाहे वो दिल्ली हो या उत्तराखंड हो, कि जहां पर सीटें कम है वहां पर एक चरण में चुनाव हो सकता है। इसके अगर बात करें, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा अक्सर हमने देखा है चुनाव के दौरान उठता है, और बीते दिन की बात करें तो ईवीएम को लेकर जो आरोप भी लग रहे थे उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हर एक मामले में दो तरीके के पहलू होते हैं, तो इसको लेकर भी तैयारियां अब आगे और जाएंगी। और बिल्कुल, जैसा कि आयोग ने, आपने देखा होगा, लगातार आयोग की टीम अलग अलग प्रदेश में जा रही थी, सभी प्रदेश, चाहे वो दक्षिण हो या फिर पूर्वोत्तर के राज्य हो, उत्तर के राज्य हो या फिर जो मध्य देश के भाग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, जितने भी उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेश हैं, उन सभी में आयोग की टीम गई थी 1 से 2 दिन। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक आयोग की टीम रही थी। इन सभी चीजों को लेकर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी आयोग की टीम ने अलग अलग प्रदेशों में बैठक की है। तो उन जो पार्टीज के सुझाव आए थे, जो शिकायतें आई थी, उस पर भी आयोग ने चीजें मंथन की थी और उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया था कि जो ईवीएम को लेकर सवाल है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है और आयोग ने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और साथ ही साथ जब आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें भी ये चीजें आयोग ने स्पष्ट की थी कि कहीं पर भी ईवीएम को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, ईवीएम पर्याप्त मात्रा में है, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो केवल सरकारी गाड़ियों से होगा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होगी कि उसमें सब में जीपीएस ट्रैकिंग होगी, मतलब ईवीएम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कहीं जा रही है तो उसकी पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी। तो जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे ईवीएम को लेकर, कहीं ना कहीं उस सुरक्षा पर भी आयोग ने अच्छा खासा काम इस बार किया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आम लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें बहुत सारी हैं, और एक चुनौती भी होती है कि बड़े पैमाने पर जहां सर्वाधिक आबादी विश्व की रहती हो, 150 करोड़ से ज्यादा लोग जहां पर रहते हो, वहां पर चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती होती है। कहीं ना कहीं उस चुनौती को निपटने के लिए आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं लगभग सभी प्रदेशों में, और अब वो दिन आ चुका है जब आयोग अपने कार्यक्रम की घोषणा करेगा और किस तरीके से वो चुनाव कराएगा, किस किस चरण में किस किस प्रदेश को रखा जाएगा। चूंकि जो देश के बड़े प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, या जो दूसरे प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, यानी कि साफ तौर पर इसके देखा जाए तो आज सभी की निगाह है, क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।